रहमतुल्लाहि व व व बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलाम अला रसूलिल अमीन व अला रसोमी व वसाब अजमईन अजमैन बाद नाज़रीन आई प्लस दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ़ से आने वाले सवाल के जवाबात देने की कोशिश करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने सवालात भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है बल्कि इस नंबर पर आपको अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मौजूद है उसी व्हाट्सएप पर आपको अपना सवाल भेजना है आप तीन तरह अपना सवाल भेज सकते हैं आप चाहें तो वीडियो में अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेज दें या ऑडियो में अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेज दें या तहरीरी शक्ल में लिख कर भेज दें लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मिलते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो बहुत ही कम अल्फाज में हो इसी तरह आपका सवाल बा मकसद हो उसके जवाब की वाकईतन आपको ज़रूरत हो इसी तरह सवाल पूछते हुए नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन तमाम चीज़ों का ख़्याल करते हुए अगर आप अपने सवाल हम तक भेजेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ बहुत सारे भाई इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं और सवाल भेजते हैं नतीजा ये होता है कि उनके सवाल इग्नोर कर दिए जाते हैं और फिर वही समझते हैं कि हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं आ रहा है तो ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसी हिसाब से अगर आप अपना सवाल भेजेंगे तो इन आपको ज़रूर जवाब मिलेगा लेकिन अगर आप इन चीज़ों की मुखालफ करेंगे तो आपके सवालों का आपको जवाब मिलना बहुत मुश्किल है नाजरीन आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारे पास सवाल की जो फहरिस है सबसे पहले वीडियो में एक सवाल है इसको देखते हैं देखते हैं पहला सवाल अलकम वरह वक् शेख मोहतरम मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है और मैं तेलंगाना हैदराबाद से बोल रहा हूँ मेरा सवाल ये है शेख मोहतरम कि क्या दुआ मौत को भी टाल दे सकती है मसलन कोई अगर मरने वाला हो उसके मुखदर में मौत लिखी हो चालीस साल पचास साल और वह दुआ करे कि चालीस साल नहीं बल्कि मेरी उम्र को अल्लाह लंबी जिंदगी कर दे तो क्या अल्लाह उसकी उस दुआ को कबूल करते हुए उसकी उम्र को बढ़ा देगा या नहीं कुरान हजीद की रोशनी में वजहत फरमाए जजाकल्ला भाई साहब का सवाल ये है कि अगर हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मौत के वक्त को टाल दे यानी चालीस साल की ज़िंदगी है चालीस साल बाद मौत आनी थी लेकिन हम दुआ करें कि चालीस साल के बाद हमारी मौत आए यानी हमें कुछ ज़िंदगी और मिल जाए तो क्या अल्लाह ताला का फ़ैसला हमारी दुआ पे बदल सकता है यानी अल्लाह ताला ने हमारी मौत की जो डेट तय करके रखी है जो मुद्दत तय करके रखी है जो वक्त तय करके रखा क्या हमारी दुआ से वो वक्त टल जाएगा उसमें कुछ इजाफी ज़िंदगी हमको मिल सकती है ये भाई साहब का सवाल है तो देखिए इसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक वाली ने मौत जो एक बार लिख दिया वो अटल है वो मौत ना तो उस वक्त से पहले आ सकती है ना उस वक्त के बाद आ सकती है कुरान और हदीस में इसके बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं जैसे अगर हम कुरान में देखें तो अल्लाह तौर तो क़ाफ़ में फरमाता है माए बदल़ल यानी मेरा जो क़ौल है मेरा जो फ़ैसला है वो तब्दील नहीं होता वो चेंज नहीं होता तो अल्ला रबालमीन जो एक बार फैसला कर देता है मौत और हयात का वो बदल नहीं सकता वो टल नहीं सकता इसी तरह कुरान में एक और जगह सुर नूह सुर इकहत्तर आयत चार यहाँ पे देखें अल्लाह फरमाता है कि वी मुसम्मा कि अल्लाह मोहलत देता है एक मतना मुद्दत तक इन्ना अजल कि जो अल्लाह ने वक्त मतयन किया नहीं, मौत का जो वक्त मुतिन किया है इदा जब अल्लाह का मतिन करदा वो वक्त आ जाता है कुरान कहता है ला अखर जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें तखिर नहीं हो सकती उस मामले को डिले नहीं किया जा सकता है मुलतवी नहीं किया जा सकता है कुन तुम तारुन अगर तुम जानते तो अल्लाह तबारक ताली इस आयत ने बहुत ही साफ तौर से कह रहा है कि अल्लाह ताला ने जो मौत का वक्त मुतय कर दिया है जब वो वक्त आ जाता है तो उसमें किसी तरह की कोई ताखीर नहीं हो सकती है और यही बात हदीस में भी है चुनाचे हदीस है सही मुस्लिम की हदीस नंबर दो उमुल मुमिनीन उम हबीबा रज़ी अल्लाह जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं मोमिनों की माँ हैं वो कहती हैं उनसे नकल किया जाता है कि उन्होंने दुआ की क्या दुआ की अल्लाहुम्मा अम्तिनी बेजौजी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बे अबी अबी सुफियाना व बे उम्म हबीबा रज़ी लन दुआ फ़रमाती हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुआ करती हैं क्या दुआ करती हैं कहती हैं कि अल्लाह ताली तू मुझे अपने शौहर से यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ायदा उठाने दे और फ़ायदा उठाने दे यानी मुझे और मौका दे और ज़िंदगी दे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नबी से फ़ायदा उठा सकूँ अबी सुफियाना और अपने अब्बा अबू सफियान से फ़ायदा उठा सकूँ वह बे आखिरी मुआवियता और अपने भाई मुआविया रज़ी से फ़ायदा उठा सकूँ तो उम्म हबीबा रज़ी अल्लाह ने दुआ फरमाई कि ताला मुझे मौका दे कि मैं अपने शोहर से और फ़ायदा उठाऊँ यानी मेरी ज़िंदगी को लंबी कर दे ताकि मैं ज़्यादा देर नबी की सहबत में रहूँ मैं ज़्यादा देर अपने अबा से फ़ायदा हासिल कर सकूँ मैं अपने भाई से फ़ायदा हासिल कर सकूँ यह दुआ फरमाई جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا سنی تو کہا حدیث کے اگلے الفاظ ہیں فقال النبي صلى الله عليه وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سالت الله لآجال مضربا کہ تم نے تو اللہ تعالی سے وہ چیز مانگ لی ہے جن کا وقت متعین ہو چکا ہے اللہ تعالی جن کا فیصلہ کر چکا ہے اس میں تبدیلی کے لیے تم دعا کر رہی ہو یعنی یہ ممکن نہیں ہے اور اگے ہوا ایام معدودہ جس चीज का दिन तय हो चुका है उसमें आप दुआ कर रही हो वह अरज़ाक की मकसूमा और जो रिस्क तय हो चुका है जैसे मौत का दिन भी तय है और किसको क्या फायदा मिलेगा किससे फ़ायदा उठा सकता है कितनी रोजी पा सकता है ये सब कुछ तय हो चुका है आगे नबी फरमाते हैं बहुत ही अहम अल्फाज हैं कि जब किसी चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि एक मुकर वक्त पर वो चीज़ होगी तो हिली। तो वो वक्त आने से पहले वो चीज़ नहीं हो सकती है और आगे के अल्फाज हैं औ औीरा शैली कि जिस चीज़ का वक्त आ गया अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर कर रखा था वक्त वो वक्त आ गया तो अब औु अखीरा शै अन उसमें कुछ तखिर नहीं हो सकती है तो ये जो दुआ की थी उम्म हबीबा रज़ी ने उस दुआ का मतलब क्या था कि हमें और ज़िंदगी दे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है तो ख़ुलासा ये कि अल्लाह तबारक ताल ने हर शख्स की मौत का वक्त लिख रखा है वो कितनी भी दुआ कर ले कुछ भी कर ले उस वक्त से पहले उसको मौत नहीं आ सकती है और वो वक्त आ गया तो उसकी मौत टल भी नहीं सकती है जब मौत का वक्त आ गया तो उसको कोई आदमी टाल नहीं सकता है और वक्त आने से पहले कोई किसी को मार नहीं सकता है तो ये अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें ये आपके सवाल का जवाब है अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और वाज़े कर दूँ कि कुछ हदीसों में इस तरह की बातें मिलती हैं कि दुआओं से ये चीज़ बदल जाती है या ये अमल करने से उम्र में इजाफ़ा होता है वगैरह वगैरह तो इस तरह की जो अहदाश है न कि दुआओं से तकदीर के कुछ हिस्से बदलते हैं तो इसके बारे में ये ध्यान में रखना चाहिए कि तकदीर की या बंदों के आमाल जो रिकॉर्ड किए जाते हैं या जो लिखे जाते हैं उसकी दो किस्में होती हैं पहली कस्म है कज़ाए मुबरम कि अल्लाह ताला ने कोई हतमी फ़ैसला कर दिया है तो अल्लाह ताली ने जो हतमी फ़ैसला कर दिया है उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली कोई चेंजिंग नहीं हो सकती यानी फ़ाइनल अल्लाह ताला ने कहीं पे तकदीर लिख दी है फ़ाइनल लिख दी है फ़ाइनल फ़ैसला कहीं पे रख दिया है उसमें कुछ भी रद्दोबदल नहीं हो सकता इसी को अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया है कि मा अल-कौलु बदलिया कि मेरा जो कौल होता जो फ़ैसला होता वो तब्दील नहीं होता वो चेंज नहीं होता तो कज़ा की तकदीर की किस्म होती है कज़ाए मुबरम अल्लाह का हतमी फ़ैसला जो अल्लाह ताला कर चुका है और असल जो लोहे महफूज उसमें दर्ज कर चुका है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती लेकिन कजा की एक किस्म की जाती है मुअल्लक। कज़ाए का मतलब यह है कि बंदों के आमाल से मुतक कुछ फ़ैसले उस रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं जो फरिश्तों के पास होता है यानी एक इंसान पैदा होता है उसके साथ जो फरिश्ता होता है या जो फरिश्ते इंसान के आमाल रिकॉर्ड करते हैं उनके पास जो रिकॉर्ड होता है जो बंदे की फ़ाइल होती है उसमें भी बंदे के बारे में लिखा जाता है कि वो क्या करेगा और उसकी मौत कब होगी उसकी रोज़ी क्या होगी वो अच्छा होगा या बुरा होगा ये सब लिखा जाता है चुनाचे बखारी मुस्लिम वगैरह की रवाई थी कि रसूल वसल्लम फ़रमाते हैं इन नम यु जुमा ख़लको हो फी ब उम्मी ही फी अरब इन उम कि तुम्हें से हर शख्स अपने माँ के पेट में चालीस साल तक रहता है शुरू में चाली साल रहता है तुम्मा यकून अलाम मिसल फिर उसके बाद जोंक की शक्ल में उसी तरह से रहता है उसके बाद आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्हमाती का उसके बाद अल्लाह अजवजल उस बंदे के पास जो भी नौमौलूद है उसके पास फरिश्ता भेजता है बे अर कलिमात वो फ़रिश्ता चार चीज़ें लिखता है अब देखिए ये भी एक तकदीर है एक तकदीर वो है जो अल्लाह ताली ने लोहे महफूज में लिख के रखी उसमें कोई करेक्शन नहीं होता उसमें कोई तब्दीली नहीं होती लेकिन ये देखिए ये एक तकदीर है जो फरिश्ते लिखते हैं अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते लिखते हैं तो अल्लाह ताली फरिश्ता भेजता और कहता है कि तुम लिखो तो फ़रिश्ता क्या लिखता है आमा उसका अमल लिखता है न नहीं ये फ्यूचर में क्या करने वाला है वो अमल लिखता है व आ और ये कब मरने वाला है वो लिखता है वह रिज्क हो और उसे रिज क्या मिलेगा वो लिखता है व शकीन औसईद ये बदबخت होगा या खुशबخت होगा ये भी फरिश्ता लिखता है ये सारी चीज़ें फरिश्ता अपने रजिस्टर में दर्ज फरमाता है तो ये जो फरिश्ते लिखते हैं फरिश्तों के पास बंदों की जो फाइल होती है उसमें जो मौत लिखी है रोज़ी लिखी हुई है वगैरह वगैरह इसमें तब्दीली होती रहती है तो जिन अदीस में यह है कि दुआ से यह बदल जाएगा ये हो जाएगा उससे मुराद यही है कि फरिश्तों के रजिस्टर में जो कुछ लिखा हुआ है वो इधर उधर किया जा सकता है उसको अल्लाह ताला बदलने का हुक्म दे सकता है लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला के रजिस्टर में जो कुछ लिखा हुआ वो पूरी डिटेल में है यानी फरिश्ते अगर कोई चीज़ लिखते हैं बाद में काट के कुछ लिखते हैं तो ये पूरी हिस्ट्री पहले ही से अल्लाह ताला के पास जो लोहे महफूज़ है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, फिर ये, होगा। ये सारी चीज़ें तफसील के साथ लोहे महफूज में दर्ज हैं लेकिन हफ्जा के फरिश्तों के पास जो रजिस्टर होता है उसमें रद्द बदल होता रहता है इसी को अल्लाह ताला ने रात में बयान अल्लाह फ़रमाता है लिखुल्ज किताब यम्लायशाबिथ कि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है और यमल याशाबिथ कि अल्लाह ताला जो चाहता है बरकरार रखता है तकदीर में जो चाहता है मिटा देता है यानी अल्लाह तकदीर में करेश्शन करता है मिटाता है बढ़ाता है लेकिन इससे क्या मुराद है इससे मुराद फरिश्तों के जो रजिस्टर हैं फरिश्तों के पास जो बंदों की फाइलें हैं उसमें अल्लाह ताला बदल करता है और आगे उम्मुल किताब और और अल्लाह रब्बुल के पास एक असल कॉपी है रजिस्टर की और उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती जो भी तब्दीली होनी है वह हफजा फरिश्तों के रजिस्टर में होती है तो खुलासा यह कि मौत को, को कोई नहीं डाल सकता दुआ भी मौत को नहीं डाल सकती है जैसे कि कुरानी आयत आपके सामने रखी गई अल्लाह के नबी सल्हसम की हदीस भी सही मुस्लिम से पेश की गई कि मौत नहीं टाली जा सकती है और ये जब हम सुनते हैं कि दुआओं से तकदीर बदलती है ये होता तो उससे मुराद क्या है कि फरिश्तों के पास जो रजिस्टर होता है उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन उम्र किताब जो अल्लाह ताला के पास जो मास्टर कॉपी है जो ए, जो अहम रजिस्टर है थे, जो लोहे महफूज है उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असला वरम जी मेरा नाम, नाम जी जो है सो तलाक हो गया है ले थे, वो आ, उनको जो है सो अभी मेरे को दो बच्चे है साहब तो बच्चों को उन उन्होंने पाल लेते परवरिश कर लेते बोलते पेपर वगैरह लिखाए थे ये फरीद भाई इनका सवाल ये है कि इनकी बीवी ने खुला ले लिया है और ये अपनी बीवी सभी अलग है इनकी बीवी अलग हो चुकी है लेकिन अलग होते हुए वो बच्चों को भी ले गई है तो पेपर ओपर कुछ बनवा लिया है कि बच्चे उसके पास रहे तो ये कहते हैं कि क्या अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ हो सकती है या कुछ मसला हो सकता है क्योंकि बच्चे वो ले गई है बच्चों के से मैं कुछ ना कर सका तो मेरा क्या मान होगा तो देखिए जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप दोनों के होते हैं बच्चों में बंटवारा नहीं हो सकता ऐसा नहीं कर सकते आप कि कुछ बच्चे शौहर ले ले कुछ बच्चे बीवी ले ले बल्कि कोई भी बच्चा होगा वो दोनों का होगा लड़का है तो भी दोनों का लड़की है तो भी दोनों का और औलाद को किसी भी एक से काटा नहीं जा सकता न ये कहेंगे कि अब वो बाप का कोई हक अदा ना करे न ये कह सकते हैं कि माँ का कोई हक अदा नहीं करेगा तो ये सबसे पहले जहन में बिठाइए कि बच्चों का बंटवारा नहीं हो सकता इस्लाम में बच्चों का जो रियल बाप है वही जिंदगी भर उसका बाप रहेगा कुछ औरतें ऐसा करती हैं कि अपने शोहर से अलग हो जाती हैं अलग होने के बाद बच्चे को ले जाती हैं और दूसरी शादी करती हैं और उसका नाम चढ़ा देती हैं इसके बाप के ऊपर ये बहुत ही बदतरीन हरकत है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में कतान इस बात की गुंजाइश नहीं है कि आप किसी के नसब के साथ छेड़छाड़ करें जिसका बेटा नहीं उसके साथ ले जा जोड़ दें तो ये जो औरतें करती हैं गलत है तो यहाँ सबसे पहले ये समझना चाहिए ना कि बच्चों के से इस्लाम का तसूर क्या है इस्लाम का अकीदा क्या है इस्लाम ने क्या हुक्म दिया है तो बच्चे बाप के होते हैं और बच्चे माँ के होते हैं और ये परमानेंट रिश्ता है ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता ना बाप बच्चों का रिश्ता माँ से ख़त्म कर सकता है ना माँ बच्चों का रिश्ता बाप से ख़त्म कर सकते हैं आप खुद सोचिए कि अगर मतलब कोई काफिर है यानी बाप अगर काफिर है तो भी बच्चे का रिश्ता उससे नहीं कटता है बल्कि इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया है कि वालदे या दोनों में से कोई एक अगर कुफर पर भी है शिरक पर भी है तो भी उनके साथ अच्छा सलूक करना है तो ये सबसे पहले जन में रखें कि तलाक से या खुला से बच्चों का बंटवारा नहीं होता है बच्चे दोनों के रहते हैं अब जो आप ये पूछते हैं कि वो लेके चली गई कि क्या मैं ज़िम्मेदार हूँगा कि नहीं हूँ क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे भाई अब आप बाप हैं आप अवाम हैं आपकी एक जिम्मेदारी बनती है अगर वो आपके बेटे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बैसीियत बाप ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के सर से बाप का हाथ नहीं उठाना चाहिए बाप का सपोर्ट उनके साथ होना चाहिए बाप की तरबियत उनको मिलनी चाहिए तो बाप की जो जिम्मेदारियां हैं वो बाप को अदा करना चाहिए तो अगर आपके बेटे हैं आपकी औलाद है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप बाप होने का सबूत दें और बच्चों के जो आप बाप हैं एक बाप की जिम्मेदारी निभाएं क्योंकि आप ही रियल बाप हैं कोई दूसरा बंदा उन बच्चों का बाप नहीं बन सकता है। और अगर आपकी तरफ से कोताही हुई और बच्चों को उसकी वजह से कोई तकलीफ हुई तो इस पर मुआवजा हो सकता है अल्लाह रब पकड़ कर सकता है कि तुमने अपने बच्चों का ध्यान क्यों नहीं दिया और यहाँ पर ये उज्र काफ़ी नहीं है कि वो तो लेके चली गई थी पेपर बनवा लिया ये करवा लिया भाई वो कैसे कर सकती है ये वो पेपर बनवा रही लेके चलेगी आप क्या करें आप तो शोर हैं आप तो हस्बैंड हैं तो शौहर हैं आप उस औरत के और बच्चे के आप बाप हैं और बाप होने की हैसियत से आपको जो है आगे बढ़ रहना चाहिए यानी आपकी जीत होनी चाहिए आपकी फतेह होनी चाहिए आपकी क़्यादत होनी चाहिए आपका गलबा होना चाहिए कौवाियत आपकी होनी चाहिए लेकिन ऐसे ये आजिज़ी के साथ कहना कि वो खुला हो गया बच्चों को लेके भाग गई क्या बात है ये तो बहरहाल बाप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बाप को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए अगर बाप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा है और उसकी वजह से बच्चों पर कोई आफत आती है कोई मसला होता है तो बहरहाल बाप तो उसका ज़िम्मेदार है उसने बच्चे पैदा किए वो उसका ज़िम्मेदार है इल्ला ये कि वो बहुत हद तक मजबूर हो कुछ ना कर सकता हो बहुत परेशान हो लोगों ने उसको बांध के रखा हो या बहुत टॉर्चर किया हो उसके बस का कुछ नहीं तो एक अलग चीज़ हो सकता है अल्लाह ताला तो माफ़ कर दे लेकिन अगर एक बंदा पावर रखता है ताकत रखता है अपने बच्चों को अपनाने की अपने बच्चों की परवरिश की फिर भी उनका ध्यान नहीं देता है और बच्चों के साथ कुछ होता है तो बाप से मुआवजा हो सकता है और बाप की पकड़ हो सकती है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं ये किसी साहब का सवाल है बिल्कुल भी वाजे नहीं है पता नहीं किस माइक से इन्होंने अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है मैंने आपको इसलिए सुना दिया कि इस तरह के सवाल आप भेजेंगे तो आपको जवाब नहीं मिल पाएगा यानी इस तरह के सवाल यहाँ पे पेश भी नहीं किए जाएंगे ये तो इसलिए हमने पेश कर दिया ताकि आपको पता चले कि कुछ लोग किस किस तरह के सवाल भेजते हैं और बाद में कहते हैं कि हमको जवाब नहीं मिला तो ये सवाल बिल्कुल भी वाजे नहीं है कि हजरत क्या फरमा रहे हैं इसलिए नॉर्मल माइक से और सुकून के साथ अपना सवाल दोबारा रिकॉर्ड करके भेजें तो इन हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे सके आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं हाँ एक घर है पांच बहने है दो भाया है वालदा है और घर वालदा के, हाँ। के नाम पे है हाँ अम्मी के नाम पे है सुने हाँ 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 सुन रहा हूँ ना तो घर का बंटवारा कैसा होता घर का हिस्सा करना है बस है ना, हाँ घर का ये प्रॉपर्टी का हिस्सा घर तो के प्रॉपर्टी कितनी, कित, कितनी फीट है लंबाई कितनी फीट है चौड़ाई क्या बोले घर तो की लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है सौ गज से है सौ गज में लम्बा सा घर भेज दे रहे, दे रहे पैंतीस लाख आ रहे सुने पैंतीस लाख पैंतीस लाख रुपए तक आ रहे घर भेज दे हाँ हाँ तो अब इसको क्या करना है अब दो भाया पांच बहना एक माँ हाँ इनमें से हिस्से बनाना है ना हाँ तो इससे कैसे होंगे हाँ चलो ठीक है मैं इनशाला थोड़ा सा विरासत देख लेता हूँ फिर बताता हूँ हाँ वही देख लो देख लेके बताओ मेरे को क्यों बोले तो भाई ना एक भाई इसमें एक भाई क्या करे मालूम जो हाँ, मोहल्ले भाई है हाँ, हाँ, उन्होंने जब वो घर खरीद रहे थे, थे सुने ने ने। तो बहनों को क्या करे उन्होंने पचास पचास हजार रुपए जब रहते नहीं रहते उनके के तरके के पैसे हाँ, दे दिए थे हाँ, हाँ, तो, हाँ, हाँ, तो, कि नहीं नहीं हम कर्जे के तौर पे लिए थे वो तर्क के पैसे हाँ हा। जबकि वो उन्होंने लिखा पढ़ाई नहीं करे उन्होंने मतलब वो है हाँ हा। हाँ हा। लिखा पढ़ाई नहीं करे जब वो लोग ले लिए कि तर्क के पैसे है के ले लिए मगर आप वो क्या कर रहे बदल जा रहे मतलब नीयत बदल जा रही है थी। चलो ठीक है मैं समझ गया इसके थोड़ी विरासत निकाल के बतला रहा हूँ मैं आपको है ना ठीक है ठीक है इनशाला मैं बताता बताती थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ये किसी भाई ने यह गुफ्तु भेजी है किसी आलिम साहब से किसी ने सवाल किया है विरासत का मसला है उन्होंने जवाब नहीं दिया है कहा कि जवाब देंगे तो पता नहीं आलिम साहब ने भेजा है या जिस बंदे ने पूछा था उसने भेजा वालम तो बहरहाल ये जो बातचीत हुई है दोनों में ये बातचीत काफ़ी नहीं है समझने के लिए कि असल मसला क्या चीज़ है यानी सही जवाब देने के लिए इतनी गुफ्तु काफ़ी नहीं है देखिए सवाल करने वाले ने एक गलती की है जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सवाल में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए सवाल करने वाले ने क्या कहा है कि भाई पांच बहनें हैं दो भाई हैं और एक वालदा है। भाई ये चीज़ इसका क्या मतलब है यानी क्या वाकई ऐसे ही मामला है कि कोई आदमी मर गया है और मरे हुए शख्स की पांच बहनें हैं और उसके दो भाई हैं और उसकी एक वालदा है जैसे ये साइल बोल रहा है अगर इसी तरह से मसला हल करें तो कुछ का कुछ हो जाएगा लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा मसला नहीं है मसला कुछ और है ये जो सवाल करने वाला शख्स है इसको समझाने की ज़रूरत है कि तुम सवाल करने का सही तरीका नहीं चुन रहे हो सवाल कैसे किया जाता है पहले वो समझो जब भी आप सवाल करें विरासत का तो जो शख्स फौत हो चुका है उससे रिश्ता जोड़ के बताना चाहिए अभी जो भाई साहब कह रहे हैं ना पांच बहनें हैं भाई पांच बहनें के इनको बोलना चाहिए कि एक आदमी मर गया उसकी पांच बेटियां हैं इसी तरह से बोलना चाहिए एक आदमी मर गया उसके दो बेटे हैं और वालदा जो कह रहे हैं ना वालदा नहीं बीवी है तो मेरे ख्याल से सही मसला ये है कि एक आदमी मर गया है उस मरे हुए शख्स की पांच बेटियां हैं दो बेटे हैं और उसकी एक बीवी है मसला ये है तो पहली ग़लती ये है कि इन्होंने बेटे को भाई बोल के पेश किया बेटी को बहन बोल के पेश किया वो आपस में भाई बहन ऐसे इनकार नहीं है लेकिन विरासत में इस तरह से रिश्ते नहीं बताए जाते हैं आप कह रहे हैं कि पांच बहनें हैं तो कोई इस तरह भी जवाब दे सकता है कि मरने वाले की पांच बहनें पांच बहनें किसकी पांच बहनें हैं पांच बहनें क्या मतलब पांच बहनें तो इस तरह से सवाल नहीं करना चाहिए जब भी आप सवाल करें तो जो भी वारसिन हैं उनका रिश्ता मदद से मरने वाले से जोड़ के बताएं जो अफराद जिंदा है वो आपस में एक दूसरे के क्या लगते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं किसी का चाचा लगता भाई लगता माँ लगती क्या लगती है उससे कोई लेना देना नहीं जो आदमी मर गया जो कबर में गया ना उसका कौन क्या लगता है वो बताइए उसका बेटा है तो बेटा बोलिए उसकी बीवी है तो बीवी बोलिए उसकी माँ है तो माँ बोलिए अभी इन्होंने माँ का इस्तेमाल किया कुरान ने जो माँ का इस्तेमाल करके हिस्सा बताया है औलाद की मौजूदगी में माँ का वन सिक्स वो माँ से कौन मराद है बीवी थोड़ी मुराद है तो उस माँ से मरने वाले की माँ मुराद है और कुरान ने बीवी का अलग से बताया है ऐसा नहीं कि, कि कुरान ने जो माँ कहा उसे मुराद बीवी है कुरान ने जो माँ कहा उसे मुराद रियल माँ ही है और बीवी का हिस्सा सुरह नसा सुरह चार आयत बारह में अलग से बताया है तो ये भाई साहब माँ कह रहे हैं जबकि मुराद क्या है मुझे पूरा यकीन इससे मुराद बीवी है मरने वाली की बीवी है तो ये पहली चीज़ है कि सवाल ठीक करना चाहिए ताकि जवाब देने में आसानी हो दूसरी बात यह है कि सवाल करने वाले ने इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया साफ नहीं किया कि ये जो घर है जिसको ये बांटना चाहते हैं यानी जिसकी कीमत को इन्होंने कहा कि पैंतीस लाख कीमत है घर की तो पैंतीस लाख ये बांटना चाहते हैं तो इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि इस घर का असल मालिक कौन था यानी जो मर चुका है ये उसी का घर था या मरने वाली की बीवी का घर था जिसको ये माँ बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि पांच बहनें हैं यानी मरने वाले की बेटियां दो भाई हैं यानी मरने वाले के दो बेटे और एक माँ है यानी मरने वाले की बीवी फिर कहते हैं कि उसी माँ के नाम घर है यानी कहना है चाहते हैं कि उसी जो मरने वाले की बीवी है उसके नाम वो घर है अब ये चीज़ थोड़ा सा समझने की है ना कि भाई वो क्या वो वाकई तरीका है यानी इन बच्चों का जो बाप मर गया है क्या उसी का ये पैंतीस लाख था उसी का ये घर था जिसका पैंतीस लाख मिल रहा है अगर ऐसा था तो इनको क्लियर करना चाहिए लेकिन ये क्या जुमला बोल रहे हैं कि वो जो माँ बोल रहे हैं यानी बीवी उसके नाम है भैया अगर उसके नाम है तब तो पूरा मसला ही पलट गया अगर उसके नाम है वो अभी जिंदा है तो ये वरासत है ही नहीं अगर उसके नाम है यानी जो आदमी बच्चों का बाप मर गया उसका कोई लेना देना नहीं है और जो आप जुमला बोल रहे हैं कि ये उसके नाम पर है उसके नाम पर है तो ये तो विरासत का मसला कहा यानी जिसको आप माँ बोले रहे, अगर माँ अपने इन बच्चों में बांटना चाहती है माँ देना चाहती है तो फिर ये विरासत नहीं तो हैबा है ये तो बराबर बराबर बटेगा यानी जो पैंतीस लाख है वो पूरा बराबर बराबर सारे लड़कों को सारे लड़कियों को जितना हिस्सा लड़के का उतना ही हिस्सा लड़की का यानी आपने कहा कि पांच बहनें हैं दो भाई हैं तो पांच छः सात यानी जो पैंतीस लाख है इसका सात हिस्सा कीजिए अब एक एक हिस्सा सबको देते चले जाइए चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तो ये तो कंफर्म नहीं किया साहिल ने ना कि ये क्या है मसला क्या है ये प्रॉपर्टी किसकी थी ये जायदाद किस की थी ये घर किसका था साहिल सवाल करने वाला कह रहा है कि माँ के नाम पर है और माँ जिंदा भी दिख रही है नहीं सवाल करने से क्या जाहिर हो रहा है कि वो अभी जिंदा है बाहयात है वो तो अगर ये मसला है कि वालदा बाहयात है और वो उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी है उसकी खुद की है पता नहीं शौहर से मिला कि उसको अपने मायके से मिला अल्लाह आलम अगर उसकी है जैसा ये भाई साहब बोल रहे हैं सवाल करने वाले अगर उसकी है वो बांटना है तो तो पूरा मसला ही अलग होगा ना विरासत कहाँ रहेगा इसलिए हम बार बार कहते हैं कि विरासत का मसला इसे ऑनलाइन नहीं पूछना चाहिए आप किसी विरासत जाने वाले आलिम के पास जाए बैठें वहां मसला बताएं ताकि वो कुछ सवाल करके सही सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सके कि कैफियत क्या है मसले की असल सिचुएशन क्या असल हालात क्या हैं जब तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा दुनिया का कोई भी आलिम जवाब नहीं दे पाएगा फिर आदमी अलग अलग आलिम के पास अलग अलग मालूम लेके जाता है तो कोई कुछ जवाब देता है कोई कुछ जवाब देता है तो सामने वाला चिल्लाता है शोर मचाता है कि नहीं वो आलिम अलग अलग जवाब दे रहे हैं कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है भाई आलिम का कसूर नहीं कसूर उस आदमी का है जो अपना मसला वाजे नहीं कर पा रहा तो ये चीज़ देखिए बिल्कुल वाजे नहीं है तो अब कोई क्या जवाब दे आपको विरासत मान के जवाब दें या हैबा मान के जवाब दें बहरहाल दोनों शक्लें मैं आपके सामने रख देता हूँ हैबा वाली भी विरासत वाली भी और आपके मसले को फर्ज करके सही सूरत है कि हाल क्या अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन मैं अंदाजा कर रहा हूँ कि दो सूरतें हो सकती हैं अंदाजे अंदाज़ा गलत भी हो सकता है अंदाज़ा गलत हुआ तो जवाब गलत हो जाएगा और अंदाज़ा सही हुआ दो अंदाजों में से कोई भी सही हुआ तो जवाब उसी के मुताबिक होगा देखिए पहला अंदाजा ये है कि शायद हो सकता है कि जिसको ये वालदा कह रहे हैं यानी बच्चों की जो माँ है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है उसको पता नहीं शौहर ने दिया गिफ्ट किया या उसको अपने मायके से मिला माँ बाप से मिला कहीं से मिला बहरहाल उसका अपना है अगर ये बात सही है अगर ऐसा ही है कि उसका खुद का है वो बांटना चाहती है तो फिर यह हदिया है विरासत नहीं है और जितने बच्चे हैं सब में बराबर बराबर बांट देगी पैंतीस लाख है तो पैंतीस लाख सब में बराबर बराबर बांट लेगी लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए वो अभी ज़िंदा ना तो उसे अपने लिए रखना चाहिए यानी वो अपने लिए ज़्यादा रखे थोड़ा बहुत बांट ले मसलन पैंतीस लाख है तो वो अपने लिए चाहे तो बीस लाख रख ले पाँच लाख बांट दे सब में बराबर या सात लोग हैं तो सात लाख बांट दे बाकी बुरा रख ले तो अगर ऐसा मसला है तो फिर ये उसका हल है लेकिन शायद इसका इम्कान बहुत कम है ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि दूसरी शक्ल होगी और वो शक्ल ये होगी कि ये जो बच्चे हैं बेटा और बेटियां और उनकी माँ तो इन बच्चों का बाप मर गया है और ये जो बच्चों की माँ है इसका शोहर मर गया है मसला शायद ये है कि शौहर मर चुका है और ये जो घर था वो असल उसी शौहर ही का था यानी जो बच्चों की माँ है उसके शौहर का था बच्चों के बाप का था और ये जो कह रहे हैं कि वो जायदाद माँ के नाम है तो हो सकता है कि शौहर ने अपनी बीवी के नाम इसलिए लिया हो ताकि जायदाद के तहफ़ के लिए किसी कानूनी दुश्वारी से बचने के लिए अपनी बीवी के नाम लिया हो जैसे कि अक्सर ऐसा होता रहता है तो शायद मसले की सूरत यही है कि इन बच्चों का बाप मर चुका है और ये जो घर था असल उसी बाप का था बाप ने अपनी बीवी का नाम लिया था लेकिन देना मकसूद नहीं था माल की के तहफ़ के लिए लिया था अब वो बाप मर चुका है तो अब वो जो पैंतीस लाख का घर है तो घर तो बेच रहे हैं रकम हाथ में आ रही पैंतीस लाख तो ये पैंतीस लाख इन बच्चों में और इनकी वालदा में कैसे बटेगा यानी मई की पांच बेटियों में दो बेटों में और एक बीवी में ये कैसे बटेगा तो देखिए अगर मसले की सूरत यही है अगर इसके अलावा कुछ और है तब तो अल्लाह आलम लेकिन अगर मसले की सूरत यही है जो हम फर्ज कर रहे हैं तो इसका हल इस तरह से होगा कि ये जो पैंतीस लाख है इसका आठ हिस्सा कर देंगे पैंतीस लाख का आठ हिस्सा करने के बाद जो आठवां हिस्सा है वो बीवी को जाएगा एक बटे आठ क्योंकि औलाद है तो पैंतीस लाख का एक बटे आठ हिस्सा होता है चार लाख सैंतीस हजार पाँच सौ तो बीवी के हिस्से में कितना आएगा चार लाख सैतीस हजार पाँच सौ तो पैंतीस लाख में से इतना बीवी को दे देंगे यानी जो बच्चों की माँ है उसके बाद जो कुछ बचता है जो रिमेनिंग है जो बचता है उसको मरने वाले के बेटे और बेटियों में इस तरह बांटेंगे कि जो एक बेटे को मिला वो दो बेटियों के बराबर हो कुरान ने कुर तहा है सुर नसा सुरचार आयत नंबर ग्यारह यूसी कोल्लाफी उलाद्दा करल्ला तला तुम्हारी औलाद का हिस्सा बताता है कि जो मुजक्कर है उसको दो मुनस के बराबर हिस्सा मिलेगा तो बीवी का यानी बच्चों की माँ का हिस्सा निकालने के बाद यानी मरने वाले की बीवी का हिस्सा निकालने के बाद जो माल बचेगा उसको बच्चों में बांटना है किस तरह बांटना है वन डबल के हिसाब से तो यहाँ पे बेटियों की तादाद पांच है और बेटों की तादाद दो है तो दो यानी चार हिस्सा करेंगे और पांच चार नौ कुल नौ हिस्सा करेंगे दो दो हिस्सा एक लड़के को और एक एक हिस्सा लड़की को मिलेगा अब अगर पैंतीस लाख ,00 में से जो बीवी को देने के बाद बचा था उसको अगर हम बेटे और बेटियों में बांटेंगे तो हर बेटी के हिस्से में जो आएगा वो होगा तीन लाख चालीस हजार दो सौ सतहत्तर यानी पैंतीस लाख में से हर बेटी का जो हिस्सा बनेगा वो तीन लाख चालीस हजार दो सौ सतहत्तर और हर बेटे का जो हिस्सा बनेगा वो इसी का डबल होगा इसी का डबल यानी छ लाख अस्सी हजार सौ पचपन तो पैंतीस लाख में से छह लाख अस्सी हजार पाँच सौ पचपन ये हर बेटे का हिस्सा बनेगा तो शायद यही शक्ल दुरुस्त हो जैसा कि मेरा अंदाजा है अगर ऐसा ही है तो इसका ये जवाब होगा और अगर वो हदी वाली सूरत है तो पहला जो जवाब मैंने दिया वो होगा जबकि उसका इम्कान बहुत कम है इसके अलावा कुछ और मामला हो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इसलिए हम एक बार फिर यही मशवरा दोहराएंगे कि आपको किसी आलिम के पास जाना चाहिए और पहले अपना पूरा मसला उसके सामने वाजह करना चाहिए ताकि सवाल आपका वाज हो सके और उसी के मुआफ़ी आपको जवाब मिल सके उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए वाजह हो गई होंगी नाजरीन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं लेकिन याद रखें इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है बल्कि इस नंबर पर जो व्हाट्सअप मौजूद है उसी पर आपको अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजना है अगर आपको जल्द अपने सवालों का जवाब चाहिए तो आप वीडियो में अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेज दें या कम से कम ऑडियो में अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजें आप लिख कर भी अपना सवाल भेज सकते हैं लेकिन उसके जवाब में काफ़ी तखीर हो सकती है सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो आपका सवाल बासद हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ नाजरिन आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल हैं उनको देखते हैं देखते हैं अगला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ मान लो गुस्सा आदमी आए तो उसे गुस्सा करना चाहिए या फिर उसको कंट्रोल करना चाहिए मान लो जैसे कभी गुस्सा आ रहा है दरअसल क्या है आ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ दो आदमी हैं, ठीक है दो लड़के हैं एक रूम के अंदर मैं भी केरला के अंदर हूँ मसला यहाँ है जैसे कि हम मालिक ने हमें दो रूम दे रहे एक रूम दे रखा कि दोनों उसमें रहते रहो ठीक है और वो जो लड़का है वो काफी नोटंकी करता है ठीक है परेशान करता है तो अब मैं काफी गुस्सा भी आता है लेकिन फिर मैं कंट्रोल कर लेता तो हूँ उनके कोई फायदा नहीं गुस्सा करने से और तीन चार दिन से ज्यादा ही वो कुछ ड्रामे से कर रहा अब क्या किया जाए गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए फिर गुछ... गुस्से के मामले में बता दो मुझे आप ये एक भाई साहब हैं जो गुस्से के बारे में पूछ रहे हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए या क्या करना चाहिए तो इससे पहले भी एक सवाल आया था कि गुस्सा है तो क्या करना चाहिए हमने तफसील से उसका जवाब दिया है आप सर्च करके देख लें कि गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए आपने जो अपना वाक़ा बताया है अपना अपनी कहानी बताई है तो आपको इस मामले में क्या करना चाहिए चूंकि आपने हमारे पास ये सवाल भेजा है तो हम तो एक बार नहीं हज़ार बार यही कहेंगे कि आपको सब्र करना चाहिए आपको गुस्से का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और मैं आपके सामने सोना नबी दौद की एक सही हदीस पेश करूंगा हदीस नंबर चार हज़ार आठ सौ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन्ना जईम बेबैिन फ़ीरा रबन्नाक मेरा अव इनका ना मुहक्न कहते हैं कि अल्लाह के नहीं फरमाते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ कि उस शख्स को जन्नत के एक गोशे में महल दिलाऊँगा जिसने हक़ पर होने के बावजूद भी हजतबबाजी लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दिया ये जो आप कह रहे हैं कि गुस्सा आ रहा है आपको साथ में रहना है अगर आप उनकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं नज़रअंदाज कर सकते हैं घर आप हक हाँ पर हो गरची आपकी कोई गलती ना हो तो आपको यही करना चाहिए उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए सब्र से काम लेना चाहिए अगर आप कामयाब होंगे यानी सब्र करने में कामयाब हो गए और झगड़े को ख़त्म करने में आप कामयाब होंगे तो यकीन मानिए कि आप इस बशारत की मुस्तक हो सकते और जन्नत में एक घर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आप पा सकते हैं अगर आप ऐसा कर सकें तो, तो हम तो आपको यही मशवरा देंगे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए गुस्सा है तो क्या करना चाहिए तफसील से हमारा जवाब मौजूद है उसको आप देख सकते हैं उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए वाज हो गई होंगी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वर्तुम स्ल मेरा नाम मोहम्मद वसीम है मुंबई से मेरा सवाल है क्या औरतें अपने घरों में जो वजू बनाती है बगैर ओहनी बगैर दुपट्टा बगैर स्काफ के रह से रह कर बन बना सकती है दूसरा सवाल है कि घर में कोई नहीं है तो क्या औरत अपने बगैर दुपट्टे के रह सकती है ये मोहम्मद वसीम भाई हैं मुंबई से सवाल कर रहे हैं कहते हैं कि बगैर दुपट्टे के औरत वजू कर सकती कि नहीं जी बिल्कुल कर सकती अगर कोई नहीं घर में और वज़ू करना चाहती है अगर उसके सर पे दुपट्टा नहीं है तो वो जो कर सकते इसमें कोई मसला नहीं है। भाई साहब ने ये भी पूछा है कि घर में अगर कोई नहीं है तो बगैर दुपट्टे के रह सकती है कि नहीं रह सकती ये बिल्कुल रह सकती है अगर घर में कोई नहीं है अकेले है तो फिर क्या मसला है अगर वो दुपट्टा उतार देती है तो इसमें कोई मसला नहीं कोई हरज की बात नहीं है ये हिजाब का मसला ये सब मस्ता बातें हैं जब घर में कोई हो और फिर कौन है ये भी देखा जाता है लेकिन जब सिरे से कोई है ही नहीं ना अजनबी है ना कोई रिश्तेदार है कोई है ही नहीं वहाँ पर तो दुपट्टा उतारने में कोई मसला ही नहीं है ऐसी सख्ती तो नहीं कर सकते ना कि वो दुपट्टा सर से उसका नीचे आएगा ही नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते तो जो पाबंदी इस्लाम ने नहीं लगाई है हमें वो पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए औरतों पर तो औरतें अगर तन्हाई में है तो बिल्कुल दुपट्टा उतार सकती हैं जैसे वो किचन में खाना बना रही है ये कहना कि नहीं दुपट्टा उड़ के ही खाना बनाए तो ये तो ठीक नहीं है तो अगर तन्हा है वो अकेले हैं तो दुपट्टा उतार सकते हैं उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वर वा वरिकमर मेरा नाम, नाम, नाम सरवर आलम है मैं भिवंडी से हूँ मेरा सवाल है कि आशी या आश रसूल कहना शराम कैसा है भाई साहब कहते हैं कि मैं भिवंडी से हूँ मेरा नाम सरवर आलम है आश रसूल ये सब कहना कैसा है तो देखिए इश्क का जो लफ्ज़ है वह आम तौर से वो जो इश्को वाले लोग होते हैं जो ख़ास तौर से शादी से पहले मोहब्बत की बातें करते हैं उनके माहौल में ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो उनका ये शार बन चुका है ये लफ्ज़ इसलिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है ये लफ्ज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जैसे हम ये नहीं कहते कि हमें अपनी बहन से इश्क़ हो गया है अपनी माँ का मैं आशिक हूँ अपनी बहन का आशिक हूँ सब हम अपनी माँ बहन के लिए इस्तेमाल नहीं करते लफ्ज़ अपने माहौल में हरगज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम ख़ुद ये हमारा अपना तर्ज है तो हम सोचें कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करें तो इस लफ्ज़ का क्या माना है क्या मतलब एक अलग बहस है लेकिन हमारे माहौल में हमारे उर्फ़ में ये लफ्ज़ अक्सर कहाँ इस्तेमाल होता है ये हम और आप जानते हैं इसलिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हम अल्लाह के नबी सें से मुहबत करने के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल करें और आयात और अल्लाह के नबी की आप छान मारे पूरा पढ़ डालें मेरे ख्याल से कहीं भी मेरी जो अपनी मतला है कहीं भी मेरी नज़र में एक भी हदीस ऐसी नहीं गुजरी है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत वाले मामले को इश्क के लफ्ज़ से ताबीर किया गया हो ना कुरान में है ना हदीस में कुरान में भी मोहब्बत वाले अल्फाज हैं और हदीस में भी वही अल्फाज हैं सही बुखारी की हदीस बहुत ही मशहूर है अनस बिन मालिक रज़ी हदीस के रही कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अकूना उमिन अकून मिन वालिदिही व वलदिही व कि तुम में से कोई भी शख्स मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी नज़र में उसके वालदे से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ उसके बच्चों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ और तमाम लोगों से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ तो महबूब हब मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जो कॉमन है जो आम है यानी आदमी अपनी माँ के लिए अपनी बहन के लिए अपने भाई के लिए बीवी के लिए सबके लिए इस्तेमाल करता है तो एक आम लफ्ज़ है महजब लफ्ज है ये लफ्ज हमें इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन जो इश्क का लफ्ज है हमारे माहौल में कम से कम उसका इस्तेमाल एक खास तबके के यहाँ होता है इसलिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उम्मीद तो है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम व शेख वाले मजहर बोल रहा हूँ अस्कर से खेल मेरा सवाल ये है जो वसूल है जनाब का इसके बारे में सही हदीस में सही बुखार में तो एक प्रोसीजर मिलता है कि मोहन शासन जो है आ, सर धोते थे फिर राइट साइड और लाइट दाएँ और बाइन धोते थे और फिर सारे जिसम पे पानी बहराते थे लेकिन जब हम आलिम दीन से या तो जो बहुत सारे जो यूट्यूब पर आते हैं शेख लोग हर किसी का अलग अलग तरीक होता है कोई बोलता है कि आप जब नीचे का जिसम धो देते हैं तो जब जिसम से पानी ऊपर से बहाते हैं तो उसको शर्मगांव को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती सफाई के लिए लेकिन उसमें जब हदीस में हम पढ़ते हैं मुझे उसके अरपात ठीक याद नहीं है तो कि पूरे जिसम में पानी बहाया करके और इस, इस तरह बहाने से पानी ख़ासकर शाहरुख पे और जो उसके निचले हिस्से में तो पहुंचता नहीं है ठीक से इसका क्या इसकी तो कैसे अल्लाह समझना चाहिए शब्द सभी को सही वसूल का तरीक़ा जो रू करने के बाद हम जिसम पर पानी बहाते हैं तो उसका क्या सही तरीक़ा है कम से कम पानी इस्तेमाल करके सुन्नत तरीके से वसूल करने के लिए थोड़ा तो

परेशान रहते हैं कि पता नहीं पूरी तरह से गसल हुआ कि नहीं हुआ तो देखिए गसल जनाबत का दो तरीका है एक तरीका शॉर्टकट है आसान है उसमें सिर्फ उस तरीक़े पर अमल करना है जो तरीका वाजिब है ज़रूरी है और दूसरा तरीका थोड़ा सा मुफसल है उस पर तफसील के साथ ध्यान देना पड़ता है उस तरह से गसल करना होता है वो बेहतर है अफसल है और उसी तरीके पर अमल करना चाहिए मैं दोनों तरीके आपके लिए बता देता हूँ ताकि लोगों के लिए आसानी हो पहले तरीके में दो चीज़ें ध्यान देनी है एक तो ये कि आपकी नीयत हो कि जनाबस से आप तहरत चाहते हैं और दूसरा है कि आपके पूरे जिसम पे पानी पहुंचना चाहिए उसमें कुल्ली और नाक में पानी डालना ये भी शामिल है यानी पूरे जिसम पर पानी पहुंच जाए एक तो आपकी नीयत हो और दूसरा पूरे जिसम पे पानी पहुंच जाए तो आप समझिए जनाबत से पाक हो चुके हैं आपका गसल हो चुका है सिर्फ दो चीज़ें ध्यान दीजिए आपकी नीयत हो जनाबत से आप नहा रहे हैं और दूसरी चीज़ आपके पूरे जिस्म पे सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पे पानी जाना चाहिए आप कैसे भी शुरुआत करें आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं आप बारिश के पानी में नहा रहे हैं आप समंदर में नहा रहे हैं घर पे नहा रहे हैं किसी तरह से भी आप नहा रहे हो पहले पांव पे पानी पड़ रहा पहले सर पे पड़ रहा पहले हाथ पे पड़ रहा कैसे भी किसी भी तरतीब से आप नहा रहे हो अगर पूरे जिस्म को पानी पहुँच गया और आपने नीयत की गुसले जनाबत से बाकी हासिल करने की तो आपका यह जनाबत वाला गसल हो चुका ये है ये शॉर्टकट है मुख्तसर सा तरीका है इसमें क्या है तमाम वाजिबात पर अमल हो जाता है अगर पूरे जिसम पर आपने पानी पहुँचा दिया और नाक और मुंह में भी पानी गया तो समझिए तमाम वाजिबात और फ़राइज पर आपने अमल कर लिया है और आपका गसल पूरी तरह से हो चुका है एक दूसरा तरीका है तफसील के साथ जो हदीसों में आता है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है लेकिन वह भी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है और वो पूरा तरीका असल में बहुत सारे हदीस में है मैं सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने पेश करता हूँ हदीस नंबर तीन सौ सत्रह और ये पूरी हदीस तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ इसमें पूरे वो तरीक़ा आ जाएगा तो देखिए ये मैमूना ममूना अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गौसले जनाबत करती हुई तो कहते हैं उसकी पूरी जो कैफियत बयान की वो क्या कि फ़ागा कफ़ ही मरतें अभी ओसले जनाबत है अल्लाह के नबी ससन जनाबत का गुस्ल कर रहे हैं तो इसमें देखिए हमको अगर इस तरीके पर अमल करना तो सबसे पहले हमारी नीयत होगी कि जनाबत का हम गुसल कर रहे हैं उसके बाद तरीका क्या होगा देखिए में फ़लस्ल का फ़ही मारतनी ओसलासम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को दो या तीन बार धुला तो तीन बार आप मान लीजिए यानी तीन बार इसको धुलना है दोनों हथेलियों को उसके बाद खला फिलना फिर अल्लाह के नबी ने बर्तन में हाथ डाला सोमा आफरा भी ही अला फ़र्ज वहां से पानी लेके अपनी शर्म गाय पे डाला दूसरी चीज़ क्या करनी है शर्म गाय को धुलना है जनाबत के वक्त शर्म गाय या आस पास का जो भी हिस्सा मुतासर हुआ उसको धुलना है उसको साफ करना है और वह गसल हु बेशम हाथ से धुलना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ से पानी लिया और बाएं हाथ से शरम गाय को धुला सोमा दर अबा बे शिमाली ही अलर्जा और दला दलकन शदीदा फिर बाएं हाथ को जमीन पर रख के उसको अच्छी तरह से साफ किया हमारे दौर में साबुन हम इस्तेमाल करते हैं तो हम साबुन लेके के इसको साफ कर सकते हैं तो ये दूसरी चीज़ है शर्म गाय को साफ़ करना है उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है तोज आ वजू अहुलसला नमाज की तरह से वजू करना है ये तीसरी चीज़ है कि नमाज की तरह से वजू करना है अला मिल फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पे तीन बार पानी डाला पूरा समझिए पूरे हथेली भर के जो पानी होता है तीन मग कह लीजिए यानी तीन बार जो है सर पे पानी डाला तो ये चीज करनी है और आगे है ही। फिर अपने पूरे बदन को ढुलना है अच्छी तरह से पूरे बदन पर पानी पहुंच जाए आगे है तना का फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सकाम से जहाँ गसल कर रहे थे उससे अलग हुए फल रिजले ही अपने दोनों पाओ को धुला अभी सदिस में पाँव धुलने की बात सबसे आखिर में आ रही है तो यहाँ परमा ने लिखा है कि उस ज़माने में जो बाथरूम होते जहाँ नहाते थे तो नीचे पानी जमा होता था तो वजू करते वक्त पाँव धुलना मुमकिन नहीं था फिर वही मामला हो जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल से फ़ारि जाते तो बाहर निकल के पाँव धुलते थे लेकिन आज के ज़माने में बाथरूम अलग होता है तो आज के ज़माने में वहीं जगह पर हम पाँव धुल सकते हैं और जब हम पूरे बदन पर पानी डाल दें तो उसके बाद हम बाहर निकल सकते हैं यानी लास्ट में पाँव धुलने की ज़रूरत नहीं है तो ये तफसीली तरीका है तफसील के साथ तो दो तरीका मैंने आपको बताया एक मुख्तसर तरीक़ा एक मुफसल तरीक़ा अब ये गुसल का दोनों तरीका पहला तरीका तो आसान ही दूसरा तरीक़ा भी आसान है अगर हम इस चक्कर में ना जाएँ कि इसमें क्या वाजिब है क्या सुन्नत है क्या मस्तहब है क्या मकरू है वग़ैरह वगैरह ये जो गसल का तरीक़ा है इसे चूचू का मुरबा बना देते हैं जब इसमें फ़िक्र की बारिकियाँ बयान करने हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और यही रट्टा मारते रह जाते हैं कि गुस्ल में क्या फ़राइज हैं क्या वाजिबात हैं क्या सुनन है बच्चों को बैठ के रटाते हैं छोटे छोटे बच्चों को कि गुस्ल में क्या सुन्नत है क्या फ़र्ज है क्या मुस्तब है जबकि ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए सिर्फ तरीका बताना चाहिए कि कैसे नहाना चाहिए तो ये सादा सा तरीका है इनमें से किसी पर भी आप अमल कर लें आपका गुस्ल जनामत हो जाएगा उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा नाजरीन वक्त तो हो चुका है यहीं पर ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाजे करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं आप चाहें तो वीडियो में सवाल भेजें या ऑडियो में या लिख कर लेकिन याद रखें जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मौसू होंगे हम जवाब के लिए उन्हें पहले ही चुनेंगे सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो आपका सवाल बामकसद हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हैं वो आप तक पहुँचाए इसी के साथ दीजिए इजाज़त फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल उनके जवाब के साथ वा अलहमदुल्ल इस एपिसोड को बनाने में जुलैख बिनते हाजी की फैमिली ने पूरा ताबून किया है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें